चलो आकार के आधार पर कंप्यूटर की मैंने जहां तक बात की थी तो पहला कौन सा बताइए आपका एनालॉग। वाह माइक्रो कंप्यूटर, कुछ लोग एनालॉग बोल रहे हैं, कुछ लोग माइक्रो प्रोसेसर बोल रहे हैं। वाह कौन सा कंप्यूटर है पहला माइक्रो। मामी मैं सुपर हूं तो माँ से माइक्रो, मी से मिनी, मे से मेनफ्रेम और सुपर से ठीक। अब समझो कहानी यहाँ पास क्या है, एकदम आराम से समझिए, आराम से समझ लेंगे उसका देखते रहिएगा ठीक है। फालतू की परिभाषा की बात नहीं कर रहे हैं कि माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर मिनी फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा होता है, माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर की संख्या कम होती है, माइक्रो कंप्यूटर में स्पीड कम होती है, माइक्रो कंप्यूटर आम जनता आम आदमी एक सामान्य व्यक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है, हम जो भी डेस्कटॉप लैपटॉप यूज करते हैं वो सब किस में आता है माइक्रो कंप्यूटर में आता है, इसकी स्पीड कम होती है, इसकी लागत कम होती है, ये सब फर्जी चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं। अरे पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, अरे पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, मेन चीज है कि माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग कब से किया गया तो आपको याद रखना है। यहाँ पास थर्ड जनरेशन, कौन सा जनरेशन, तुक्का ही मारोगे तो बनना चाहिए क्योंकि इससे पहले क्लास में आपको बताया हूं कि थर्ड जनरेशन में ही आपका क्या गया था बताइए, बोलो कौन सा टॉप, कौन सा टॉप, अरे और बोलते जाओ ना। उसके बाद टेबलेट तो अभी आया है, देखिए डेस्क में रखेंगे तो डेस्कटॉप, हाथ में रखेंगे हथेली में तो पाम टॉप, गोद में रखेंगे तो क्या होगा लैपटॉप, लैप मतलब गोद होता है। तो जो थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था कंप्यूटर उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं आपका माइक्रो कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर माइक्रो। और इसी से माइक्रो कंप्यूटर का जैसे आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर की साइज जो है धीरे धीरे क्या होती गई छोटी होती गई, क्या होती गई छोटी ठीक है। और ये माइक्रो कंप्यूटर जितने भी छोटे छोटे आप कंप्यूटर देखेंगे वो सब किसका एग्जाम्पल रहेगा माइक्रो का, किसका माइक्रो, याद रखना छोटा बोल रहा हूं ना, जितना छोटा उसमें प्रोसेसर की संख्या उतना ही क्या रहेगा कम रहेगा, क्या रहेगा कम, जितना अब समझ अरे यार अब जिसका वजन ज्यादा है, जिसका वजन ज्यादा रहेगा उसका शरीर भी तो ज्यादा होगा ना कि नहीं होगा। अब खली को तुम अगल में खड़ा कर दो और किसी और को बगल में खड़ा कर दो तो खली में भैया उसकी मसल वसल उसका जो शरीर है उस ज्यादा है ठीक। उसी तरीके से आप समझेंगे जितना प्रोसेसर की संख्या कम रहेगी उसकी साइज उतनी क्या होगी छोटी होगी, और उतनी स्पीड भी क्या होगी कम होगी, और उसकी लागत भी क्या होगी कम होगी, सब कम है, समझ में आ रहा है। तुम लोग कम खा रहे हो, पतली दुबली है, पानी नहीं पीती होगी, पीती है, कितना लीटर पी लेती है एक दिन में, एक दो, कल मुझे ना बताना, अपने सामने चार बॉटल रख लेना, एक काम करना चार बॉटल का सुबह उठते ही रख देना और 24 घंटे में वो चार बॉटल खत्म होता है कि नहीं मुझे बताना, परसों बताना ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है। मैं लिख के देता हूँ चार बॉटल नहीं खत्म हो पाएगा। चलिए हाँ मैं बता रहा था कि माइक्रो प्रोसेसर किसकी बात कर रहे हैं मैं हूं। अब जो आईएमपी चीज है वो है आपका आईबीएम, क्या भैया आईबीएम, क्या भैया आईबीएम, आईबीएम ने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया, इसका आविष्कार किया और ये है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, फुल फॉर्म क्या है बोलो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये ऐसी कंपनी है जो वर्तमान में भी सर्वाधिक कंप्यूटर का निर्माण करती है ठीक है। सॉफ्टवेयर का निर्माण अलग होता है, कंप्यूटर का निर्माण अलग होता है, प्रोसेसर का निर्माण अलग होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ कंप्यूटर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कंप्यूटर। सर्वाधिक तो एमएस वर्ड चलता है आपका, एमएस ऑफिस चल रहा है ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है, क्या चल रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट ठीक है, वो अलग चीज है, वो एप्लीकेशन है, वो क्या है एप्लीकेशन। इंटेल प्रोसेसर वो अलग चीज है, इंटेल अलग कंपनी है, एमएस अलग कंपनी है, आईबीएम अलग कंपनी ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक कंप्यूटर निर्माता कंपनी, सबसे ज्यादा कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो क्या बोलोगे आप लोग आईबीएम, क्या बोलेंगे आईबीएम। यहां तक क्लियर है, समझ में आया जी ठीक है, इतना पहले नोट करेंगे बस तीन लाइन, बाकी आलतू फालतू लाइन हम लोग लिख चुके हैं। इसमें जो पहला प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था उसको भी लिख लेंगे, उस क्वेश्चन को भी पूछा गया है। इंटेल के द्वारा 4004
जो पहला प्रोसेसर प्रयोग किया गया है उस प्रोसेसर का नाम है इंटेल 4004। समझो मिनी कंप्यूटर क्या है। अब यहां से हम तुलना करते हैं, मिनी कंप्यूटर हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए, तुलना हम, क्योंकि अब तुलना करने के लिए हमारे पास ऊपर भी है एक कंप्यूटर और नीचे भी एक कंप्यूटर है। अब बड़ा सिंपल सा एक परिभाषा, ठीक है। पहला तो मिनी कंप्यूटर में प्रोसेसर की संख्या मेन फ्रेम से ज्यादा होगी क्या कम होगी, अरे बोलो, मेन फ्रेम से कम और माइक्रो से ज्यादा, ठीक। अब इसकी स्पीड भी सेम रहेगी, इसकी स्पीड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब स्पीड की बात करेंगे तो मेन फ्रेम से कम, मेन फ्रेम से क्या रहेगा जी, कम और माइक्रो से ज्यादा। लागत की बात करेंगे तो भी वही कहानी होगी, अरे होगी नहीं होगी, मेन फ्रेम से सस्ता लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से महंगा। अब इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ये भी माइक्रो कंप्यूटर की तरह ही है, बस इसमें किसकी अधिकता हो जाती है आपकी, प्रोसेसर की, किसकी जी, प्रोसेसर। और इसका जो एग्जाम्पल है वो पूछता है जो पहला मिनी कंप्यूटर बना था उसको बोलते हैं पीडीपी, क्या बोलते हैं बोलो, क्या बोलते हैं बोलो, पीडीपी, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, बोलो एक बार, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, फिर से बोलो, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, फिर से बोलो, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। इतने में आपका मिनी कंप्यूटर भी खत्म। इतने में कौन सा कंप्यूटर खत्म, मिनी। लिखेंगे स्टार लगाकर, हाँ जी, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, पीडीपी। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कौन से कंप्यूटर के बारे में, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे आईएमपी कंप्यूटर यही है, तीसरे नंबर का मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन से फ्रेम की बात हो रही है, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। और ये खासियत क्या है, पहला चीज तो ये, अब इसमें मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि इसमें किसमें किससे अधिक प्रोसेसर होता है, किससे इसका स्पीड ज्यादा, ये सब नहीं है। मेन चीज के बारे में बात करते हैं, ये जो कंप्यूटर होता है ना इसमें आपको याद रखना है ये दो चीजों पर काम करता है। एक है आपका, एक इसमें होता है मेन कंप्यूटर, इसमें क्या होता है बताइए, मेन कंप्यूटर जिसे बोलते हैं हम लोग सर्वर, क्या बोलते हैं भैया, सर्वर, क्या बोलते हैं, सर्वर। इसी को बोल देते हैं होस्ट, होस्ट कंप्यूटर, क्या बोल देते हैं, होस्ट। अब इस मेन कंप्यूटर से सभी आसपास के कंप्यूटर जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इससे मेन कंप्यूटर से एक जुड़ा रहेगा। अब इस कंप्यूटर को बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, क्या बोलेंगे बोलो, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, क्लाइंट कंप्यूटर, इसको भी क्या बोलेंगे बताइए, क्लाइंट कंप्यूटर, और इसको भी क्या बोलेंगे, क्लाइंट। मैं चार बनाया हूं, आप 34 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से अधिक होते हैं, ठीक। अब समझ में आया, अब ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है, ये जो मेन कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर होता है ना, इससे डंब टर्मिनल से जुड़ा होता है। कौन से टर्मिनल से जुड़ा होता है, डंब टर्मिनल से जुड़ा होता है, सीधी सी बात है, वायर के माध्यम से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, वायर। अभी तो खैर वाईफाई से जोड़ सकते हो, बात की बात है, ठीक। अब यहां से तीन क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, उसका आंसर देंगे बाद में, लिखना है मुर्दो। बताइए ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिससे एक से अधिक, जिसमें एक से अधिक कंप्यूटर जुड़े होते हैं, मेन। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें एक मेन कंप्यूटर होता है और बाकी सब क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें क्लाइंट कंप्यूटर डंब टर्मिनल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्लाइंट कंप्यूटर के खराब हो जाने से या बिगड़ जाने से मेन कंप्यूटर का कोई फर्क पड़ेगा? क्या क्लाइंट कंप्यूटर एक से अधिक खराब हो जाने से किसी अन्य क्लाइंट कंप्यूटर को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अरे मुर्दो, मैं मेन कंप्यूटर हूं,
तुम लोग सबके सब क्या हो? क्लाइंट हो। ये तीनों नहीं आए, तुम लोग को कोई फर्क पड़ेगा? तुम सब नहीं आए, यही बस आई, इसको कोई फर्क पड़ेगा? अब मैं नहीं आऊं तो तुम लोग को फर्क पड़ेगा? ऐसे ही तुम लोग समझोगे लग रहा है, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो मेन कंप्यूटर है उसके बिगड़ जाने से क्लाइंट कंप्यूटर को फर्क पड़ता है, क्लाइंट कंप्यूटर के कुछ हो जाने से किसी अन्य कंप्यूटर को या मेन फ्रेम कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं सर? इसका उपयोग करते हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में। अब बड़ी संस्था हमारे यहाँ होती है बैंक। क्या होती है? बैंक। तो इसका एग्जाम्पल है बैंकिंग सेक्टर में। अब आप गौर करना, कभी जाना बैंक, उसमें अगर गलती से लिखा है सर्वर डाउन, लिंक फेल, तो सबका लिंक फेल रहेगा, कोई कंप्यूटर नहीं चलेगा। कि चलता है? नहीं चलता। तुम्हारा जियो का नेटवर्क, अगर तुम्हारे में नेटवर्क नहीं बता रहा है, अब बगल वाले जियो में वो भी जियो यूज करते तो उसके में नहीं बताएगा। तुम पेटीएम यूज करते हो, अगर पेटीएम में तुम्हारे से अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो अगल बगल किसी से पेमेंट होता है सर्वर डाउन? अरे हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये जो बड़ी बड़ी संस्था होती है, ठीक है, बैंकिंग संस्था हो गई, नेटवर्किंग की संस्था हो गई, ठीक है, सेटेलाइट वाला आपका जियो सीओ टीवी चैनल, टीवी के कई बार देखना तेरे स्टार पर चला यार, मेरा तो नहीं चला है, तेरे यहाँ मेरा भी नहीं चला यार, होता कि नहीं होता? तो ये जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है इन लोग किसका प्रयोग करते हैं? आपका मेन फ्रेम। रेलवे, कौन सा सेक्टर हो गया आपका? रेलवे। रेलवे में देखना, उसमें भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा और उसी से सब कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। क्या होते हैं जी? जुड़े होते हैं। अब ये सुपर कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे काम करता है बोलो? सुपर कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, बशर्ते इसमें सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा कम प्रोसेसर लगे। देखो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इतना ही बड़ा तुमको आपका सुपर कंप्यूटर में मिलना है ना, बस प्रोसेसर की संख्या बढ़ा दीजिए, सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। प्रोसेसर की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। अरे डब्बा जैसे दिख रहा है कंप्यूटर कैसे है? अरे कंप्यूटर नहीं है, इसे प्रोसेसर लगे हैं। कंप्यूटर तो क्लाइंट कंप्यूटर है। कंप्यूटर कौन यूज कर रहा है? क्लाइंट। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये तो पूरा प्रोसेसर की संख्या है, इसे पूरा प्रोसेसर लगे हैं। क्या लगे हैं? प्रोसेसर। हजारों की संख्या में प्रोसेसर लगे होते हैं, लाखों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में। हजार से ज्यादा हो गए तो किस में आ जाएगा आपका? सुपर में आ जाएगा। और जो पहली बार सुपर कंप्यूटर बना था वो पहले मेन फ्रेम ही था, बाद में उसमें प्रोसेसर की संख्या बढ़ाकर उसे क्या बनाया गया? सुपर कंप्यूटर बनाया गया। तो ये है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोट कर लेंगे कंप्यूटर। अब हम लोग शुरुआत करते हैं मेन क्लास जिसके लिए आ जाए हैं, वो है भैया आपका सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। लिख के ले लो, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपके हॉस्ट वर्डर में आएगा ही आएगा। अभी तक मैं ये वर्ड को नहीं बोला था इससे पहले, अब बोल रहा हूं। सुपर कंप्यूटर में एक ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। पहला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार क्यों, कब, किसके द्वारा किया गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार क्यों, कब, किसके द्वारा किया गया, ठीक। दूसरा, कहां किया गया। तीसरा, भारत में सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा है और किसके द्वारा किया गया, कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया। तो ये तो उसकी परिभाषा हो गई। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बनेगा, वर्तमान में सुपर कंप्यूटर विश्व का कौन सा है पहले नंबर पे, भारत में पहले नंबर पे कौन है। और ये बदलता रहता है ना, आज मैं जो बताऊंगा जरूरी नहीं कि एग्जाम के पहले वही रहेगा, तो इसको सर्च करके ही जानना कि वर्तमान में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू आपका ये इंडिया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत में इसकी सीरीज के बारे में, किसके बारे में, सीरीज के बारे में। कंपनी दे देगा, बोलेगा कि ये फलाना सीरीज किस कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, परम सीरीज किसके द्वारा बनाई जाती है, अनुपम सीरीज किसके द्वारा बनाई जाती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। परम बहुत फेमस है, ठीक है, परम 800 900 10,000 सुने भी सुनो, ठीक है। सिद्धि, गंगा, ब्रह्मा, शिव शक्ति, कंचनजंगा, ये सब के बारे में हम आपको बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यहां से बेसिक, हाँ, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किससे मापा जाता है इसको ही पूछता है। तो आपको कंप्यूटर के बारे में जानना है, सुपर कंप्यूटर। पहला तो परिभाषा लिखेंगे, इसमें लिखना, ऐसे कंप्यूटर जिसमें
लाखों की संख्या में देखिए हजारों भी हो सकता है और सैकड़ों भी हो सकता है, जैसे प्रोसेसर की स्पीड। अब कोई प्रोसेसर ऐसा है जिसको एक लगाकर ही काम हो सकता है और कोई प्रोसेसर ऐसा है जिसको 10 लगाएंगे तो काम बनेगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि इसकी स्पीड 100 Mbps है और 10 प्रोसेसर को मैं लगा दूंगा तब जाके क्या मिला मुझे 100 Mbps। तो अगर इसको लगाएंगे जो अकेले 100 Mbps दे रहा है एग्जाम्पल, उसकी संख्या कम हो जाएगी लाखों की अपेक्षा। और स्पीड अगर कम है तो हमको ज्यादा मात्रा में उसको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो एक परिभाषा के तौर पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है? आप बुक में देखेंगे, पुरानी बुक में, तो उसमें हजार भी लिख सकता है, उसमें सैकड़ों भी आ सकता है। तो ऐसी कंप्यूटर जिसमें लाखों की संख्या में पैरेलल मतलब क्या होता है जी हिंदी में, समानांतर, क्या आपका समानांतर, समानांतर क्रम में प्रोसेसर लगे होते हैं, प्रोसेसर लगे होते हैं, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुपर। इसकी स्पीड, ये कई बार पूछा है इसकी स्पीड को किससे मापते हैं, तो फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसकी स्पीड को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड से मापा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड से मापा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार सीमोर क्रे के द्वारा उन्नीस में किया गया। कहां किया गया? ये 1976 में, यूएसए अमेरिका की बात हो रही है। और जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम रखा गया क्रे वन। क्या रखा गया बोलो? क्रे वन। और जिस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था वो था सीआरसी कंपनी। कंपनी का नाम है सीआरसी। सीआरसी का फुल फॉर्म होता है क्रे रिसर्च कंपनी, क्रे रिसर्च कंपनी। तो यह है इंट्रोडक्शन किसका? सुपर कंप्यूटर का। अब ये साइज भी बड़ा होता है, इसमें प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? अब छोटे मोटे कामों में के लिए तो इसका प्रयोग करते ही नहीं है। छोटे मोटे कामों के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, जहां मेन फ्रेम एक डब्बा था रे मुर्दो, यहां पास देखो सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर आपका? सुपर कंप्यूटर। फिल्म व्रिम देखोगे आप हॉलीवुड मूवी वगैरह में, ठीक है? आपका सुपर कंप्यूटर इस तरीके से, जैसे ये हम परम की बात करेंगे, ठीक, ये परम सीरीज, ये भी इस तरीके से बड़ी बड़ी घर के जैसी संरचना होती है। मैं यहां से इसके प्राइस के बारे में कभी गौर ही नहीं किया। $100 million, $30 million। अब बुरा भाग तुम लोग करते हैं ना भैया, मैं इतना स्ट्रांग नहीं है, कहीं पास इंडियन करेंसी नहीं लिखा है ना। ये 32.5 करोड़ के सुपर कंप्यूटर की खासियत, ज्यादा नहीं मात्र 32 करोड़, ठीक, चलो नोट करेंगे इतना। इसका उपयोग किसमें किसमें करते हैं, तो उपयोग की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है मौसम संबंधित विज्ञान में। कौन सा विज्ञान में जी? मौसम। अब भैया मौसम संबंधित विज्ञान क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। क्या कर रहा है? भविष्य कि आने वाले 24 घंटे में बहुत तेज वर्षा होने की संभावनाएं हैं।
इस क्षेत्र को रेड अलर्ट, इस क्षेत्र को येलो, इस क्षेत्र को ऑरेंज, इस क्षेत्र को ग्रीन जोन में रखा गया। तो ये ऐसी थोड़ी कोई इंसान थोड़ी करता होगा जी, ये कौन कर रहा है आपका सुपर कंप्यूटर, कौन कर रहा है सब। अब हिंद बंगाल की खाड़ी में कोई टाइकून चक्रवात उत्पन्न होता है और वो उड़ीसा की ओर आ रहा है, किस ओर आ रहा है उड़ीसा, तो किस स्पीड से आ रहा है आदमी थोड़े ना अपने जाएगा, उसको एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से उड़ीसा के तट से टकराने वाला है, समझ में आया ना। तो ऐसे क्षेत्रों में मौसम संबंधित विज्ञान क्षेत्रों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नासा हो गया, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हो गया है, भारत का क्या हो गया रे आपका इसरो, भारत का क्या हो गया इसरो। तो ये अंतरिक्ष विज्ञान में भी, कौन सा विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान में भी इसका प्रयोग करेंगे। बड़े बड़े जो बीमारी होती है उसका पता लगाना है, उसके वैक्सीन की खोज करना है, तो मेडिकल साइंस, मेडिकल को क्या बोलते हैं हिंदी भैया, चिकित्सा विज्ञान। अब मान लीजिए तो मेडिकल तो लोग लिखते हैं ना, मेडिकल विज्ञान में भी, साइंस में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। किसी देश की जो आंतरिक सुरक्षा होती है, ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम, कौन सिस्टम मुर्दो, सिक्योरिटी सिस्टम, जो सिक्योरिटी सिस्टम बनाई जाती है, इसके लिए भी किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, सुपर कंप्यूटर प्रयोग करेंगे, समझ में आया। जैसे कि आपका भारत का जो आईबी विभाग हो गया, ठीक, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत का जो रॉ विभाग हो गया, ठीक है, तो ये जो गुप्तचर विभाग हो गए हैं, ये अपने दूसरे देश की जानकारी को अपने पास रखना है और अपनी देश की जानकारी को छुपा के रखना है, ऐसे थोड़ी छुपा के रखते होंगे, इन लोग किसका उपयोग करते होंगे आपका सुपर कंप्यूटर, किसका प्रयोग करेंगे सुपर कंप्यूटर। तो ये है सुपर कंप्यूटर का उपयोग और इसकी क्या खास। आगे बढ़े, अरे बढ़े जी, ठीक, लिखेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर, देखिए जो भारत में सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो परम का सीरीज है, ऐसा सीरीज है बोलो परम। अब व्यक्ति का नाम आप देखेंगे विजय, देखिए यहां पास आपको याकना है विजय पांडुरंगा जो है, अरे यार फोटो, अमेरिका ने 1987 में भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, तब भारतीय साइंटिस्ट विजय पांडुरंगा 4 साल दिन रात मेहनत करके भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। अब भारत के इस महान वैज्ञानिक को आज कोई नहीं जानता, अब आपके हाथ में है कि आपको इनको शेयर करना है और हम भारतीयों तक क्या करना है, पहुंचाना है, ठीक। देखो यार ये पहला चीज तो यह है कि जो इंसान डेली यूज करता है उसके भी जनक कोई जानता, आलू कहां से आया तुम जानते हो क्या, तंबाकू कहां से जानते हो क्या, आलू को तो रोज यूज करते होगे, तंबाकू खाने वाला रोज खाता होगा वो जानता है क्या। तो भैया जब इंसान की जरूरत पड़ती है तभी उसके बारे में सर्च करता है, आज से पहले इसकी जरूरत पड़ी क्या, अब फर्स्ट वर्ड का पेपर सामने है, जरूरत पड़ रही है तो सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब विजय पांडुरंगन के बारे में बता रहा हूं आपको, ये व्यक्ति विशेष ऐसे हैं, अरे इसमें तो पूरा कंप्यूटर, चलो ठीक इसी में देख लेते हैं। ये जाते हैं अमेरिका बाकायदा सुपर कंप्यूटर देख जाके आते हैं, ठीक है। अब बताया था ना आपको वो, अब इसमें लिखा है देने से मना कर लिया था, जबकि मैंने पढ़ा है कि वो लेके आया था, बाकायदा लेके आए थे और उसको पूरा खोल खाल के क्या कर दिए थे भैया, खोल खाल के उसको नया डिजाइन बना दिए और देखें तो पता चलता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर ही क्या कंप्यूटर है आपका सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ही कौन सा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, कुछ नहीं है, मेन फ्रेम में आपका एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया गया है प्रोसेसर। और ये बात हो रही है 1991 की, जिसमें भारत में सुपर कंप्यूटर आया, जनक है डॉक्टर विजय पांडुरंगन। अब विजय पांडुरंग भटनागर ये सब लिखा जाता है, बस विजय पांडुरंगन आपको याद रखना है, ठीक। और जो पहला कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर उसका नाम रखा गया परम 8000। बोलो पहला सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा है,
परम 8000, ठीक। और इसका निर्माता कंपनी का नाम है सीडेक कंपनी। कौन सी कंपनी? सीडेक कंपनी। कौन सी कंपनी? सीडेक। सीडेक कंपनी जो है ये पुणे में है भैया। कहाँ है? पुणे में। और आज भी सर्वाधिक जो वो बनाती है सुपर कंप्यूटर बनाती है, ये परम 3G फेमस है। और वर्तमान में जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ये सीडेक कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, एक बार बोलो मेरे साथ, ठीक। सुर में बोलो रे मुड़ दो, तुम लोग सब साबित कर दिए कि तुम लोग सब छत्तीसगढ़िया, ठीक। सुर में बोलो, सुर में कैसे बोलते हैं? सबका कंप्यूटिंग लास्ट में खत्म होना चाहिए, बोलो। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, ये लो। क्या है ना, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं कॉपी कर दिया, ठीक, नोट कर लो। भारत में सीडेक कंपनी के द्वारा बनाए गए परम सीरीज कौन कौन सी है, ठीक है। जिस सीक्वेंस में आपको मैं याद कराऊंगा उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, याद करना है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं 5 मिनट में आपको जितने सीरीज हैं, जो 15, 16, 17 जो भी होगा वो याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले हम लोग मान के चलते हैं संख्या वाला, पहले कौन सा वाला बोलो? संख्या वाला। तो बोलना है 8000, बोलो मुड़ दो, फिर बोलना है 8600, बोलो, फिर बोलना है 9000, बोलो, फिर बोलना है 10000, बोलो। तो पहला सीरीज कौन सा, दूसरा बोलो 6000, बोलो मुड़ दो, इतना मारो, परम 8600 बोल रहे हैं, परम 8600, फिर बोलो, फिर बोलो, ठीक है। उसके बाद भगवान वाला बोलना है, किसकी कौन सा वाला बोलना है बोलो, भगवान वाला, देवी देवता वाला बोलना है, कौन सा देवता? देवी। तो पहले बोलना है भगवान शिव, शिव की जटाओं में क्या, गंगा नीचे आकर हम लोग को क्या कर दी भैया, सिद्ध सिद्धि बन, क्या कर दी, सिद्धि। ये सब कौन देख रहे हैं, ब्रह्मा, कौन देख रहे हैं, ब्रह्मा। पहला शिव, अरे पहला शिव, अरे पूरा बोलो रे, दूसरा बोलो ऐसा परम शिव परम ब्रह्मा, फिर बोलो परम, उसके बाद ठीक है शादी कर दो, फिर उसके बाद ना देवी देवता हो गया आपका, अरे हुआ कि नहीं, चलो पहले इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा परम का सीरीज नहीं है, तो है याद करेंगे तो नहीं तो याद हो ही जाएगा, लिख लिए, चलिए। अब देखिए आजकल क्या है ना, जगह जगह क्या कहते हैं, एनजीओ बनाए गए है ना। अब ये एनजीओ जो होता है नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बढ़िया युवा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ब्लड डोनेट करना है, कोरोना काल में बहुत अच्छा लोग काम कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ मेरे जान पहचान में जो एनजीओ है, बाकायदा गांव गांव जाकर जिनके बाल बच्चे घर से बाहर हैं, जो फंसे हैं, उनको 1 महीना 2 महीने का राशन दे के जा रहे थे, ठीक। बढ़िया अपने में चंदा करते थे, जो सहयोग राशि दे दिया तो दे दिया, और जो नहीं दिया तो अपने बीच में सहयोग राशि करके वो घर में पहुंचा रहे थे। बाकायदा प्रॉब्लम में जाया कर दिए है ना, मेरे गाँव भी पहुंचे थे इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इंसान लोग, कहानी सुना रहा हूं, जो इंसान है, जो कौन है जी, युवा, क्या है, युवा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन या शक्ति को दिखाते हुए लोगों की क्या कर रहे हैं, सेवा, क्या कर रहे हैं, सेवा। और कुछ लोग इतने अच्छे सेवा कर रहे हैं कि उनको पुरस्कार भी मिल रहा है, कौन सा पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, तो कौन, इंसान, इंसान में कौन, किसके द्वारा, शक्ति, क्या कर रहे हैं, क्यों पुरस्कार मिल रही है, याद रहेगा, अरे और रहेगा, बोलो परम ईशान है ना, इंसान, बस ईशान, अभी इंसान पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, परम परम शक्ति, ही परम सेवा, ही परम, परंपरा मत कर देना, ठीक, इसको लिख लो, याद रहेगा जी, वंदना,
पूछूंगा भी मैं, पता है ये क्या है? आप जहां लिखना वहां लिखो, ये सब सुपर कंप्यूटर है। हाँ कर्म काहे पूछेगा भैया, कर्म बताने के लिए भगवान भी नहीं आएगा। इधर थोड़ी से देख लो, इधर कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये क्या है? युक्ति। क्या है जी? युक्ति। इसके अलावा आपको बोलना है क्या? प्रवेगा। और एक बोलना है कंचनजंगा। क्या बोलना है? कंचनजंगा। तो इस तरीके से बोलो, परम संगणक, परम परम और परम आपका सीरीज खत्म। अब देता हूं लिखने के लिए 2 मिनट, याद करने के लिए 3 मिनट, 5 मिनट आपके पास समय है। चलिए एक चीज नोट करके इसमें लिख लेंगे, सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की बात करेंगे तो लास्ट टाइम में जो पढ़ाया था उस समय भी फ्रंटियर था, फ्रंटियर यूएसए का। और अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो इसमें आपको, इसमें भी लास्ट टाइम आपको एरावत ही पढ़ाया गया था, आज भी एरावत है। एरावत ऑप्शन नहीं रहेगा तब जाकर आंसर लेना है परम सिद्धि। हो सर जी, परम सिद्धि। अब मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर सर्च करके जाएंगे, क्योंकि ये बदलता रहता है, क्योंकि ये क्या है जी आपका, बदलता। कोई बुक आएगा मार्केट में, पता चला कि उसमें सर कुछ और लिखा है, तो आपको एक बार नेट का सहारा लेना है, उसमें एक बार क्या करना है, सर्च करना है। ये अभी का आज जो भी डेट है, आज कौन सा तारीख है? हाँ, तो आज से जो है आप फ्यूचर में जब भी एग्जाम देंगे तो इसको थोड़ा सा देख कर जाइएगा, फ्रंटियर एंड एरावत। एरावत और इसका वैसे क्या है? हाथी है। किसका हाथी है? इंद्र का हाथी है। किसका हाथी है? सफेद एरावत हाथी।